वालेकुम। अच्छा 12 साल, 1 घंटा हो गया होगा तुमको फोन कट गया होगा। हाँ 1 घंटा हो गया। सोच लीजिए, वो असल में 1 घंटे में कट जाते ऑटोमेटिक। कुछ हमारी इस बातों का कुछ हासिल नहीं हुआ, होती क्या बातों का कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हो गया, आप बात समझना नहीं चाह रहे हो और आप जहां भी फंसते हो आप वहां से पलटी मारते हो। चेयर में तो कहीं नहीं फंसता, अल्लाह का शुक्र हमारे पीछे साबिर मौजूद है, मैं क्यों फंसूंगा। तो जुमलेबाजी है ना भाई, जुमलेबाजी क्या है मतलब? आप अपने उलमा की बात मान ले तो ठीक, मैं अपने उलमा की मानू गलत क्यों हो जाएगा भाई? घर माने आपने अपने उलमा की, किधर माने, किधर माने बताइए मुझे अपने उलमा की। आप क्यों नहीं मानते? मैं अभी अनवर शाह कश्मीरी का पेश कर रहा हूँ, आप नहीं मान रहे हो। तो अनवर शाह कश्मीरी जो है वो हजरत जो है उन्होंने जो दलाइल दिए हैं और बातों पर उनको हम तस्लीम नहीं करते क्या? नहीं, अनवर शाह कश्मीरी ने कहा है कि हजरत उमर के अमल से पता चलता है कि ताजुद तरावी एक है ना? अच्छा, तो आपने क्या बोले उनकी राय कहाँ पर निकाला ये? अरे हुरुफ शर्जी किताब है ना उनकी, कौन से हुरुफ शर्जी है ना, रोज शवी। हाँ शजी, शजी उर्फ शजी है। मैंने तो किताब में नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं और ही पढ़ा कहीं। हाँ नहीं वही किताब है। अच्छा हाँ, तो वो तो कह रहे हैं लेकिन वो दूसरा बात कर रहे हैं, तो कह रहे उन्होंने अपनी राय से बोला। आपने कैसे कह दिया उन्होंने अपनी राय से बोला? क्योंकि जो किताब के अंदर मैंने पढ़ा था उस किताब के अंदर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? और हमारे उलमा ने किया था ये उनके अपनी राय, क्योंकि हम मुकल्लिद हैं। आपके उलमा ने आपको गुमराह कर दिए। कुरान ने क्या कहा? किसी ना शुक्रे गुनाहगार की बात मत मानना। वही कुरान तो कहता है, उन्होंने हरेम कायम की हदीस। वही कुरान तो कहता है कि उलमा की बात मानो। हाँ तो उलमा की मानो, लेकिन कौन से उलमा की? जो दलील से बोले। हाँ तो हमारे उलमा दलील से बोलते हैं। बात बिना दलील के बोली है। हाँ बिना दलील के बोली है। हाँ उन्होंने अपनी राय पेश की है ना। अरे अल्लाह के बंदो, दलील है वो हदीस है उस पर हजरत उमर की, उनकी वो बात मान लो फिर मैं। बिल्कुल मानो, पक्की पक्की। लेकिन वो 15-20 रकात। अरे ताजुद तरावी एक हो गई तो 20 रहेगी का? तुम्हारा खुद दावा है कि ताजुद 8 रकात है। तो वो तो 16 हो जाएंगी। अरे 16 कुछ भी हो, तुम्हारे ताजुद रकात कितनी है? ताजुद आपके वहां 20 कैसे हो जाएंगी 16 हुई भाई? आपके वहां ताजुद की देखो, मैं गिनती बताता हूँ। देखो सुनो, एक रुपया 8 और 8 कितनी होती है? पहले मुझे ये बताइए आपके यहाँ तहज्जुद की रकात। बाद में बताऊंगा, पहले मैं बाद में बताऊंगा। आपने कहा ना 8 और 8 20 होती है, 20 कैसे होती है? 8 और 8 20 होती है। आपने तो कहा, मैंने कहा मौलाना अनवर्षा कश्मीरी 20 रकात पढ़ रही, तो आपने कहा तो ये तहज्जुद और तरावी मिला के 20 हो गई ना। अशिक 8 और 8 कैसे हो गई? कौन तरह आपके में तहज्जुद 8 रकात है, कौन 20 रकात पढ़ते हैं? मौलाना अनवर्षा कश्मीरी। हाँ 20 रकात पढ़ते हैं वो। हाँ तो पढ़ने, तो उससे हमको क्या है? और ताज्जुद पढ़ गए फिर रात को। अरे हजरत उमर का अमल लेंगे ना हम, हजरत उमर से आप देखिए, अगर 20 पढ़े, सुनी आप सुनो, मैं आपको एक मतलब यहाँ बुनियादी समझा देता हूँ। आप आराम समझे, जो तरावी की नमाज जिसे हम तहज्जुद और तरावी कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने 8 रकात पढ़ाई थी, वो अल्लाह के नबी के कयाम बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, इतने लंबे के पैर सूज जाया करते थे। सही मुस्लिम की जो रिवायत है ना कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़े तो सहाबी पीछे से आके उनके पीछे जमात में बना लिए, तो अल्लाह के नबी ने नमाज को छोटा किया और खेमे में जाके नमाज पढ़ी। अच्छा शेख एक काम करें, सारी बात छोड़ें, मेरी बात सारी बात छोड़ें, मेरी बात मैं आपको का अमल समझा रहा हूँ आपको क्या है। तो बाद के लोगों ने क्या किया कि तहज्जुद की जो नमाज थी उसके कयाम को छोटा किया और रकातों की तादाद बढ़ाई। किसी ने 12 किया, किसी ने 16 किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 24, किसी ने 28, किसी ने 32, किसी ने 36, 41 रकात तक ऐसा लोगों ने ले गए। तो ये नफिल नमाज है, 8 के बाद अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये मुस्तहब हो जाती है। तो ये असलाफ ने तरीका इख्तियार किया और इस के 40 पढ़े या 20 पढ़े, झगड़ा की बात का पता है, ये तो अल्लाह के रसूल के अमल खिलाफ जा रहा है। ना ना, बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि सहाबा भी अल्लाह के रसूल ने 8 पढ़ी है रमजानों में, तो 8 ही पढ़ना चाहिए। ये कैद नहीं है भाई, नफिल के लिए कैद नहीं है, नफिल सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। ना ना ना, अल्लाह के नबी ने कम भी किए हैं, अल्लाह के नबी ने कम भी किए, 7 भी पढ़े। कितनी बार करी है? अरे एक बार भी करे तो दलील हो गई तुम्हारे लिए, कम और ज्यादा हो सकती है। हाँ कितने बार करने में दलील बनेगी? एक बार करेंगे तो एक बार नहीं ना, अच्छा एक बार
सारे करेंगे दुबई, क्या जबरदस्त दिन है। अच्छा भाई तुम एलआईडी से निकल गए, नहीं तो एलआईडी से अपना गलत कर देते। एलआईडी से मेरा कर दिया था तभी तो निकला भाई। ये आप सब में आप अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करो, मंत्र अल्लाह के रसूल बार बार करें उस मंत्र को, तो उन्नत मुतवातिरा कहा जाता है। अच्छा अल्लाह के नबी से बीस कितने बार में अमल पक्का होता है आपके यहाँ? मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल जिस अमल को मुसलसल करते हैं उसे तो सुन्नत मुतवातिरा कहा जाता है ना। कौन बोला? कौन बोला मुतवातिरा कहा जाता है? मुहद्दिसीन बोलते हैं। कौन सा मुहद्दिसीन? कहीं पढ़े थे कहीं पर भी आपने? बम आपके मौलाना जिनको आता जाता कुछ भी कयास पढ़ के कुछ भी तुक बन गया आपको सिखा देते? नहीं, कुरान कुरान के हाफिज है, वो आता जाता कहते नहीं कुछ हाफिज तो हाफिज रटा हुआ तो उससे तर्जुमा पूछी को थोड़ी मालूम होगा उसको, पर हाफिज को सारे मालूम होते क्या ये हाफिज? तो ये सब मुफ्तियाना लेवल के काम होते हैं, हाफिज की बच्ची बात नहीं है। तो आप और मैं मुफ्ती हैं क्या? आपके आप यहाँ सर्जरी कराने के बीएमएस के पास पहुंच जाते? अरे वो तो बीएमएस पढ़ के आया है। अच्छा आप और मैं मुफ्ती हैं क्या? नहीं तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं जो आप मुझसे बता रहा हूँ ये काम मुफ्तियों के होते हैं तो आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो कर सकते ना, हम पढ़ के तो बोल सकते ना। नहीं तो आप मुफ्ती तो नहीं बन सकते हैं। ये तो फिजूल है, मैं कब दावा किया मुफ्ती बन सकता हूँ? तो ये बताइए एक बार भी ज्यादा कर दिया तो वो आपके यहाँ दलील नहीं बनेगा? मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी तरावी की नमाज तहज्जुद की नमाज को कम पढ़ा तो समझ लो कि तुम लोग इस बात से कुछ हासिल नहीं हो रहा, वैसी बात करते हैं जिस पर हासिल हो रहा है। हासिल हो रहा है, आवाम सुनेगी तो समझेगी कि आपका आवाम का है। आप उसे बिल्ला नबी के तरीके को कैसे जिद और हठधर्मी में रद्द करते हैं, वो अमल दलील पड़ेगा। नाऊजु बिल्ला, हम करते हैं। कितने हज किए थे? कितने अल्लाह के नबी ने? मुझे नहीं मालूम। एक तो आपके यहाँ तो ये भी दलील नहीं बनेगा कि एक ही बार का हज किया था, तो हज भी मना कर दो आप। तो हज जो फर्ज है वो एक ही मरतबा है आदमी के ऊपर, नहीं तो मना कर दो ना। अभी तो आपने अल्लाह के नबी ने अगर एक बार तहज्जुद को कम रकात पढ़ ली तो आपने नहीं माने, तो एक ही तो हज तो आदमी की जिंदगी में एक मरतबा ही तो फर्ज है शेख, एक दफा कर लेगा हज अदा हो जाएगा। इन्हें तालीम दी है ना कि कम और ज्यादा हो सकती है, तो तहज्जुद की वो नमाज जो रमजान में पढ़ी जाती है सवाब हासिल करने के लिए, रमजान में सवाब करते ना, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जिसने सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखा और कयाम, इसलिए पाबंदी हो जाती है। साल भर ऐसी पाबंदी करते हैं लोग, नहीं करते, आज लोग करते हैं, लेकिन एक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं साल भर, लेकिन में लोग नहीं पढ़ते। आप सो नहीं थे क्या? नहीं, मैं रात भर रमजान में नहीं सोता हूँ, दिन में तो सोते होंगे, फजर पढ़ के ही सोता हूँ। अगर गलत सोचते हैं चलो ठीक है, मैं तो सोच रहा सोते नहीं, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। ना ना ना, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात हो रही है, आप बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा था, जब अल्लाह के रसूल की आठ रकात सुन्नत है आप कहते हैं, और अम्मा आयशा ये फरमाती है रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह के रसूल ग्यारह ही पढ़ा करते थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ग्यारह से ज्यादा नहीं पढ़ा करते, ग्यारह से ज्यादा नहीं पढ़ा करते, ग्यारह से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। तो फिर सुन्नत हुई ना ग्यारह रकात? हाँ ना, तो हमने कहा मना की, तो फिर जब आदमी ज्यादा पढ़ेगा तो वो खिलाफ नहीं कर गया सुन्नत के? तो हमने कहा उसको सुन्नत बोले, उसको मुस्तहब बोले ना, लेकिन सुन्नत के तो खिलाफ कर गया। अरे नहीं ना, खिलाफ नहीं होता ना, वो ग्यारह पढ़ेगा तभी तो सुन्नत रहेगी। कि आपने कहा लाए कि अगर वो आठ से बारह कर देगा तो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा? आप ही तो समझा रहे हैं मुझे, जोर से आठ रकात तरावी आपके अनफी उलझा ने बोला मुस्ताहब। तो फिर फजर की जो नमाजें हैं दो रकात की तीन रकात कर दें? कर दीजिए ना भाई, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए ना, बोला जिस मस्जिद में, अरे आपकी मस्जिद में करिए ना, क्योंकि अकल तो अभी तो उसके कायल नहीं है, हम तो उसके कायल नहीं है। आप आपने ज्यादा पढ़ लो तो सवाब हो जाता है, मुस्तैब हो जाता है भाई। हम तो पाबंद है कि हमें वहाँ सिखाए गए, जहाँ हो सकती है वहाँ कर सकते, जहाँ नहीं हो सकती वहाँ नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं वहाँ हो सकती है तो यहाँ हम कर सकते हैं, मस्जिद में तो हम कर रहे हैं। आपको किसने रोका है? आपने तो अपना नहीं जी मस्जिद में कर दो, दो रकात करो चार रकात करो, किसी ने मना किया आपको? पहले जिस मस्जिद में कर दें तीन रकात पदर नहीं ना भाई,
आप कह रहे हैं जहां आप कर सकते हैं तो हम तो वहां तहज्जुद करना। तहज्जुद की बोल रहे ना, तहज्जुद की दलील दो ना, हैं तहज्जुद की दलील दो, तहज्जुद की। हाँ पर हम तो ईशा के बाद पढ़ते ना जरा भी, तो अरे तो ईशा के बाद ही होती है तहज्जुद। आप क्यों पढ़ते हैं फिर? अरे भाई असलाफ ने पढ़ा है ना, साहबा ने पढ़ा है, नबी ने पढ़ के साहबा से पढ़ा दीन लेंगे, असलाफ से दीन लेंगे, अल्लाह के रसूल से लेंगे। है। हाँ असलाफ से मुराद अल्लाह के रसूल भी आते हैं, साहबा भी आते हैं, क्योंकि तालीम उनको साहब अल्लाह के नबी ने दी, और अल्लाह के नबी ने ईशा बात पढ़ी है ना। हाँ तो जैसा अल्लाह के रसूल का अमल है वैसा करने का ना, आलतू फालतू क्यों करना। अल्लाह के नबी ने भी ईशा बात पढ़ी है ना, तालीम दी है ना, 3 दिन जो पढ़ाई थी, एक बार अव्वल वक्त में पढ़ाई, एक बार मीडियम बीच वाले वक्त में पढ़ाई, एक बार आखिरी वक्त में पढ़ाई। तो कितने दिन पढ़ाई अल्लाह के रसूल ने? आपको नहीं मालूम क्या? मैं पूछ तो रहा हूँ, आप बता दें एक बार और क्या हो गया। 3 मरतबा? 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन पढ़ाई है शेख, ये सुन्नत है? ये नबी ने तरीका बताया पढ़ने का। तो 3 दिन पढ़ाई तो 3 दिन सुन्नत हुई ना, 3 दिन सुनना तो मतलब जब अल्लाह के रसूल ने 3 दिन पढ़ा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा तो 3 दिन सुन्नत हुई ना। नहीं तो अल्लाह के नबी ने किस लिए नहीं पढ़ाई मालूम है ना वजह? तो फर्ज हो जाती तो हाँ 3 दिन ही पढ़े ना शेख। नहीं तो अरे तो अल्लाह के नबी ने शर्त क्यों लगाई, फर्ज हो जाती। हाँ तो फर्ज हो जाती इसलिए नहीं पढ़ी। हाँ आप तुम बात को समझ, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं 14 दिन पढ़ाता मुझे डर है कि कहीं तुम पे फर्ज ना कर दी जाए, जब तो पढ़ाई का नहीं है तो सुनना अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी जब इंतकाल कर गए तो अब वही का सिलसिला खत्म। अगर आप हम अच्छा। जमात पूरा पढ़ेंगे अब फर्ज नहीं करने वाली को, तो आप अपने दिमाग से दीन क्यों बना रहे हैं? अब अमल है ये क्या है? अरे अल्लाह के रसूल ने कहा था बाद में बढ़ा लेना, पूरा मेहनत कर लेना। हाँ ये तो हदीस है, अल्लाह के नबी ने अमल देखा था, साहबा को इनकी तारीफ की थी क्या? इतने अधिकार की सयादत में सहाबा जहां नमाज पढ़े थे, अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो कहा ये इतने साहब के पीछे कुरान सुन रहे हैं। तो आपने कहा बहुत अच्छा अमल है, हाँ तो ये सहाबा पूरा महीना करते थे रमजान में, तो अल्लाह के रसूल ने पूरा महीना किया था क्या? अल्लाह के नबी भी अंदर अपने हुजरे में पढ़ते थे पूरा महीना। आप मुनकर हो गया इसके? क्या जमात से क्या निफाक वाली बातें कर रहे हो आप? ईमान है क्या आपके दिल में? निफाक है ईमान है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो मैं इतनी तालीमात पे सवाल खड़े कर रहे हो और बोले ईमान है तो वो मुनाफिक। तो आप ही कहते ना अल्लाह के रसूल के मुताबिक चल रहा काम, अल्लाह के रसूल के मुताबिक चल रहा है। अगर अल्लाह के नबी ने 3 दिन पढ़ाए और आप पूरा महीना पढ़ लो तो आप खुद सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो, तो बोलो ना कि आपकी तरह भी सुन्नत के खिलाफ है। हमारी हाँ नहीं हमारे तो सुन्नत के मुताबिक है। कैसे हो गए भाई? अभी तो बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी ने 8 रकात पढ़ी तो तुमने 12 कर दिया, सुन्नत के खिलाफ हो गई। क्योंकि अगर तुम्हारे ने 20 रकात करी है ना पूरा महीने की, तो हुक्म लगा दिए थे ना 8 के खिलाफ जाएगी तो सुन्नत के खिलाफ, हजरत उमर का भी सुन्नत के खिलाफ अमल हो गया। तो ये तो आप कहते हैं ना सिर्फ सुन्नत के चलो, सुन्नत के चलो, मैंने आपसे पूछ रहा है। आपको बात समझ में नहीं आती या आप समझना नहीं चाहते? या तो आप दोनों हाथ में लड्डू है आपके, दो मुंह के डिंडू साहब के, जब खुद अमल करे तो सुन्नत हो जाए और कोई दूसरा करे तो बोले सुन्नत के खिलाफ है। तो हम सुन्नत करते हैं अल्लाह का शुक्र है आपका भरोसा। आपका अमल भी मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। ईशा बाद बा जमात पढ़ना ये मुस्तहब अमल है, इसको सुन्नत किसने बोला? तो हम जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। बा जमात पूरा महीना जो पढ़ते हैं वो मुस्तहब अमल है, तो हम ठीक करते हैं। अगर जो आदमी तहज्जुद की नमाज को बढ़ाकर पढ़ता है रमजान में, वो 12 करे, वो 16 करे, वो 20 करे, वो 24 करे, 26 करे, 40 रकात पढ़े, मुस्तहब अमल। हम जो पढ़ते हैं ना वो, अरे आप सुन्नत इस बात पे है, तुम 8 का इनकार कर दो इस बात पे झगड़ा है, तुम 8 का इकरार कर लो कि 8 सुन्नत है, कितनी पढ़ो ना, हमको क्या करना है? तो जब हम 20 पढ़ते हैं तो उसमें 8 आ जाती है ना। हाँ भाई 8 आ जाती है, वाह वाह, तो बोलो ना 8 सुन्नत है और 20 मुस्तहब है, हम कहाँ मना कर रहे हैं? दूध मुस्ताद पाएगा, दूध तो सुन्नत है। ये ही तो झगड़ा है। अच्छा ये झगड़ा है जो तुम्हारे अनवर शाह काश्मीरी ने जो पढ़ी है 20 40 पढ़ी, तो उन्होंने 8 सुन्नत समझ के पढ़ी है और उसके बाद जो समझी वो मुस्ताद समझी। अच्छा अच्छा हम ये बोलते हैं ये असलाफ का तरीका है। अच्छा आम शाफाई ने क्या बोले कि मैं 20 पसंद करता हूँ। अच्छा क्यों बोले? 40 के मुकाबले में, उस दौर में 40 पढ़ते थे, तो 40 के मुकाबले में उन्होंने बोला मैं 20 को पसंद करता हूँ। 8 में 20 को पसंद इमाम शाफई ने, हाँ इमाम शाफई ने 8 से मुकाबला नहीं किया है, 40 रकात से मुकाबला किया है कि लोग 40 पढ़ते थे मदीना में और मक्का में 20, तो मैं 20 को पसंद करता हूँ।
मक्का में 20 पढ़ते थे, हाँ मदीना में 41, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में 20 रकात तरावी हुआ करती थी। तो इजमा कहाँ हुआ जी? तो तुमने झूठ बोले थे कि इजमा हो गया मदीना में 41 हो रही, इजमा किधर हुआ? तो जब मक्का में 20 हो रहे हैं तो इस बात की तो दलील है, इसका मतलब 20 असलाब में रकातों की तादाद नहीं बढ़ाई, हमने कहीं मना किया? नहीं 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 नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं अल्फाज को पकड़ के बैठूंगा। पकड़ के बैठो भाई, हम खुद बोलते हैं ना, हाँ हम जब उस टाइम से हरम से मक्का 20 हो रही है तो आज हम 20 पढ़ते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है? मक्का वाले 20 पढ़ते हैं, मदीना वाले 41 पढ़ते हैं, और मैं 20 को तकलीफ। मक्का वाले जब शुरू से 20 पढ़ते आ रहे हैं और इमाम शाफी के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज हम पढ़ते नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू से नहीं, सहाबा के दौर के बाद। सहाबा के दौर के बाद? हाँ सहाबा के दौर के बाद, तबा ताबईन का काम है वो, इमाम शाफी का स्कूल आते हैं ना, तबा ताबईन इमाम शाफई, इमाम शाफई का जमाना कौन सी हिजरी का? 150 हिजरी में पैदा हुए और वो बोल रहे हैं 200 हिजरी में। तो बात के लोगों ने की है, शुरू से नहीं, अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी, साहबा ने 8 पढ़ाई, हजरत उमर ने लोगों से जमात कराई, 8 रकात की कराई, उस पर इजमा है, 8 रकात पे इजमा है। तो अल्लाह का शुक्र है मक्का में इमाम शाफई के दौर में 20 रकात हुआ करती थी। हाँ हुआ करती थी ना, उससे क्या है? ठीक है, तो वही तो चीज थी जो साहबा पढ़ते आ रहे, वही ताबईन ने पढ़ी, वही कभी ताबईन ने पढ़ी, वो नहीं थी भाई, वो मुस्तहब समझ के पढ़ी जा रही है 20, सुन्नत नहीं। कौन सी? तो मुस्तहब समझ के 20 पढ़ी जा रही थी, पढ़ी जा रही है, 40 पढ़ी जा रही है, वो मुस्तहब। तो एक बात है, सुन्नत का है शेख, एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप लाख चाहे कितना ही कुछ कहें, अल्लाह ताला ने आपके मुंह से हक निकलवाई दिया। क्या इस रकात की सुन्नत है? ये कोई हक है जबरदस्ती का? सर आप ही तो कह रहे हैं मक्का में 20 पढ़ी जाती थी उससे पहले भी, सुन्नत नहीं है, मतलब ये बात से बोल रहे, बात ये बात मुतवातिर से साबित है। अरे भाई मुस्तहब है ना, मुतवातिर से साबित है 20 रकात सुन्नत मक्का में पढ़ी जाती है। नहीं सुन्नत नहीं है, हमने कहीं नहीं बोले सुन्नत, मुस्तहब। इमाम शाफी ने मुस्तहब कहा इसको? सभी ने मुस्तहब माना उसको, सुन्नत तो किसी ने नहीं माना। तुम्हारे हनफी आलिम से दिखा दो मेरे को, इमाम हनीफा से दिखा दो। इमाम अबू हनीफा से? हाँ इमाम अबू हनीफा से तरावी दिखाए तुम्हें? अरे इमाम हनीफा से दिखा दो कि 20 रकात सुन्नत रसूल है। मैंने तो अल्लाह के रसूल से दिखाई तो अपने आप ना, तो है ही नहीं ना भाई, यही तो फिर आप ये दिखा नहीं रहे, झांसा दे रहे लोगों को। इमाम शाफई क्या कहते? इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब पहले एक मसला गढ़ लेते और उससे पूरी किताब लिखते। कौन? इमाम शाफई। इमाम शाफई मसला गढ़ते थे? इमाम शाफई ने कहा कि इमाम अबू हनीफा और उनके मानने वाले पहले एक मसला गढ़ लेते और उसको पूरी किताब लिखते। अब आपने भी एक मसला गढ़ लिया तो सवाल मतलब इसका मतलब इमाम अबू हनीफा से लेके अब तक उनके शागिर्द आए सारे बन रहे हैं। भाई ने बोला मदीना वाले 41 पढ़ते थे, तो 41 को सुन्नत मानते हो? मदीना वाले 41 पढ़ते थे? हाँ इमाम शाफई ने बोला ना, तो 41 को सुन्नत मानोगे? नहीं 41 को तो हम सुन्नत नहीं मानते। मुस्तहब ही मानना पड़ेगा, वो हमारी बात पे तुमको आना पड़ेगा कि 8 के बाद जितनी पड़ेगा आदमी बढ़ा के वो मुस्तहब है, हमारी बात पे आना पड़ेगा ना। मक्का में 20 भी तो पढ़ते थे। हाँ शाफई के बोलने से भी 20 को सुन्नत मान लिए थे, 41 बोलने को सुन्नत नहीं मान रहे हो तुम यार, क्या दो रंगी उसूल है आपके? थोड़ा भी अल्लाह ताला का खौफ नहीं आपको? मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत डर है अल्लाह ताला का। नहीं बिल्कुल, देखो उसूलों में पकड़ा जाता है जो आदमी ईमान का दावा करता है ना, वो दलाइल में पकड़ा जाता है, अमल में पकड़ा जाता है। ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते फला वरब का, कि जब तक ये नबी आप फैसला कर दें और ये उस पर दिल की कजी लाए बिना उसको मान ना ले, दिल में कजी भी नहीं आना चाहिए। नबी ने बात कह दी, नबी ने फरमा दिया, बात खत्म, दुनिया की एक चीज इधर से उधर हो जाए। मैं आपको पूरा आपका जो दावा होता है ना, और आप हमारी बात है अब तक बहुत सुकून की चली है, इसमें कोई फायदा रिजल्ट निकल के नहीं आया। मुस्तहब पर आप आ गए हो कि 8 के बाद की जो रकातें हैं मुस्तहब है, 41 को आपने मुस्तहब मान लिए, यानी सुन्नत के खिलाफ नहीं है। आपका दावा बातिल हो गया कि जो 8 के बाद पड़ेगा सुन्नत के खिलाफ है, बातिल हुआ कि नहीं? आपको बात मुझे समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं। कौन सी? जो आप कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आपकी। आपने बोले कि 8 के बाद जो 12 16 20 पड़े वो सुन्नत के खिलाफ है ना, तो 41 को कैसे मान लिया आपने? हमारी जो आपकी बात चल रही थी वो 8 और 8 पर चल रही थी। 8 और 8 क्या है? आप जो कह रहे थे 8 और 8 20 होती है। 8 और 8 20 मैंने कब बोला? आप ही तो कह रहे थे। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला,
चलो खैर, बहरहाल हमारे इसकी गुफ्तगू का मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, जिसको होगा सो हो। वो तो समझ में आएगी, लेकिन ये जो दो रंगी उसूल आप अपनाते हो ना, ये ना इख्तियार क्या करें, हम तो दलील के ऊपर चलते हैं शेख। काय की दलील? किसको? मैं भी आपको 15 दलील में दे देता हूँ, इसमें क्या बात। कुरान ने क्या कहा? ये खुद बेवकूफ है लेकिन नहीं जानते। हम तो जानते हैं, जब तो पढ़ते हैं। 20 रकात तरावी के ज़ईफ होने पर हनफुल में भी कहते इजमा है, अहले हदीस भी कहते इजमा है, इत्तेफाक है, मुहद्दिसीन कहते हैं। हनफी उलमा तो इजमा बताते हैं। सुनो भाई सुनो, तुम्हें मुहद्दिसीन ने जो बाप बाना ना कयाम रमजान का, और जिसमें 20 रकात की हदीस लाए हैं, तो वहां पर भी उस हदीस को गलत क्या बोल के किए हैं मुहद्दिसीन ने, पता है कि ये हजरत आयशा के खिलाफ है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कि ये हदीस 20 रकात वाली हजरत आयशा की हदीस के खिलाफ, अगर वो तरावी की हदीस नहीं होती तो उस हदीस से इसको क्यों रद्द करते। तो आप पहुंचते मनज नहीं है भाई आपका, धोखा दे रहे हो, खुद धोखे में पड़े हुए हो। हम धोखे में पड़ेंगे? मुश्किल नहीं है, देखो मेरी एक मशवरा मानो, अपने वहां चले जाओ, अपने क्या नाम है, शकील मेरठी साहब के पास। हाँ, मैंने किताब शाया किया था पिछले साल, मसनून रकात तरावी, 500 पेज की किताब है पूरी, उसमें आज तक इतनी बेहतरीन दलाइल के साथ किताब लिखी गई है। जितने आप धोखे मोबाइल के साथ दूर हैं, वो किताब खरीद लो, पढ़ लो, आपको सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो दूर है, और हम तो मौत तक 20 ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुन्नत है भाई, आप 20 पढ़ो कुछ भी करो, लेकिन सुन्नत का इनकार कर दोगे ना तो 20 पढ़ो कुछ काम आने वाला नहीं है। हम तो सुन्नत का इनकार नहीं करते, हम तो कहते हैं 20 रकात सुन्नत है। सुन्नत का इनकार करोगे तो 20 काम नहीं आने वाली आपकी। एक आपकी और मेरी बहस में पता है क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, मैंने आपसे शुरू में कहा था मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अरे भाई आप मुफ्ती से बड़े हो आपके यहाँ, और आपके यहाँ सारे मुफ्ती भी ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात, और हमारे मुफ्ती क्या है, अल्लाह का शुक्र है, जो जितना बड़ा का शुक्र है आपने उसको झांसा दे, वो मुफ्ती कहलाता है आपके यहाँ। एक बार बताऊँ मैं, हाँ, जब सूफी कलीम रज़वी के सामने आपने दिखते तो माशाल्लाह हमारे उलमा के सामने कांटे गेंगे। भाई मेरे मुनाजरे तुम्हारे वो मुफ्ती मुनीर से देख लो कैसे भागे हो। और तुम एक काम करो, ये जो तारावी लफ्ज किस पे बोला जाता किसी पे नहीं बोला जाता, तुम्हारे कोई अच्छे अरबी स्पेशलिस्ट आलिम हो ना वहां पर, उनसे मेरी फोन पे बात करा दो। फिर जो आपने जो बना ली ना कि हमारे उल्मा, आपके उल्मा को कोई इल्म नहीं होता, एक बात याद रखो, ये सब अल्लाह धोखे लोगों को कुरान हदीस से फेरना। आप मुशरिकी ने मक्का के किरदार पर हो, किसके किरदार पर? हम अल्लाह का शुक्र है कुरान हदीस पर है, और इस पर हमारे पास दलाइल भी मौजूद है। मैं असमा और रुबान का इल्म नहीं रखता, इसलिए मैं हदीस पर आपसे बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, बुनियादी अकीदे वाली बात बताता हूँ, आपके उल्मा ने सिखाई नहीं बताई नहीं। ये मुशरिकी में मक्का क्या करते थे मालूम है ना? वो नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज करते थे, माली गनीमत बांटते थे, निकाह करते थे, खतना करते थे, सारे काम करते थे जो आज का मुसलमान कर रहा है, और वो सदका तुफैल में दुआएं मांगा करते थे, और वो तुम्हारी हर मस्जिद में होता है, अल्लाह नबी के सदके तुफैल में ये दे दे वो दे दे। ये मुशरिकी ने मक्का वाला अमल तुम्हारी हर मस्जिद में दाखिल है, तुम मुशरिकी ने मक्का के किरदार पे हो, और अपने आप को अहले सुन्नत समझते हो। अच्छा, हाँ कुरान पढ़ने का भी मुशरिकी ने मक्का किरदार पड़े। ये जो अंग्रेज चले चले आ रहे हैं वही है क्या? क्या ये जो अंग्रेज आ रहे हैं, ये यहूदी नसारा वही है? क्या अंग्रेज आ रहा है? यहूदी नसारा, यहूदी नसारा जो अंग्रेज है आज के दौर में, ये वही नस्ल है? समझा नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं मुशरिकीन मक्का यहूदी नसारा जो भी है, ये आज तक चली आ रही है नस्ल? हाँ तो उससे क्या है, उससे क्या है, मुशरिकीन मक्का से ऐसा है कि चली आएगी? जो अमल उनमें पाया जाता है वो अमल तो आपने ने कहा कि मेरी उम्मत यहूदियों के मुशाबे चलेगी, वो एक हाथ चलेगा ये एक हाथ चलेगी, वो के दिल में घुसेगा ये गो के दिल में घुस जाएगी, तो इसलिए आप एक हाथ पर मुसाफा करते हैं। तो इसलिए तो आपकी अमल वही है। इसलिए आप ईल काल कसरत यहूदी एक बात और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ, एक बात और बता दो। हाँ बोलो। मुझे ना असमा और रिजाल का इल्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे हदीसों पर बहस नहीं करना चाहता। हदीस पे बहस ही कहाँ कर रहा है, अभी तो तरावी और इसके लफ्ज उस पर ही चल रही है। असमा और रिजाल आप जो मुझसे बार बार कह रहे ना, आप दिखाएं दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहते हैं मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ना आपको असमा रिजाल का इल्म है, ना आप मुफ्ती हो, ना आलिम हो, ना कुछ, फिर भी आपने बोले कि एलएबी सही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। क्या समझ के छोड़ा भाई, शैतान ने बैठा दिया था आपको?
अच्छा ही क्या था उन्हें। अरे आप मुशरिकी ने मक्का वाले अमल कर रहे हैं मस्जिदों में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज तक नहीं मालूम था, आपको मालूम है बात? क्या बता रहे हैं? मुशरिकी ने मक्का वाला अमल आपका है, सारे अमल मुशरिकी ने मक्का वाले हैं आपके। तो आपके कहने से नहीं होता ना शेर भाई, बता रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं हो रही, आपका आप इनकार करो कि आपके मस्जिद में दुआ आपकी सत्यत हुसैन वाली। आपको तो मैं आलिम ही नहीं मानता। अरे तो तुम्हारे अमल का पूछ रहा हूँ कि नहीं होती, तुम बताओ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या जानना चाह रहे हैं? आपकी मस्जिद में इमाम साहब अल्लाह नबी के सदके में ये कबूल फरमा दुआ करते कि नहीं? हाँ करते। हाँ यही मुशरिकीन मक्का करते थे। हाँ आपके कहने से नहीं होता ना शेख। कुरान ने कहा ना, हदीस ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस है ना। अल्लाह के नबी आए थे, किन के लिए आए थे? मुशरिकीन मक्का का रद्द करने के लिए। अच्छा, अब आपके अमल मुशरिकीन मक्का वाले और बोलते हो अली सुन्नत, किसको धोखे में डाले भाई? इसीलिए तो आप ये सब सारी चीजें कुरान हदीस को नहीं मान रहे हो। आपको अकीदत मेरे से सीखना चाहिए, कुरान हदीस को मानते हैं। चक्कर क्या है शेख, एक बात बताऊं, जब आपने दलील लेनी होती है तो आप सहाबा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और जब कोई बात आपको नबी से लेनी होती है नबी पे पहुंच जाते हैं, और कहीं तो आप सहाबा का इनकार कर देते हैं और कहीं आप सहाबा की बात। भाई बात समझ में नहीं आ रही, हम कहीं नहीं इनकार करते। वो है ना सूरह निसा की क्या आयत है कि राय हिदायत आने के बाद जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह और वमन युशाक्किर रसूलहु बादमा तबय्यना लहुल हुदा और मोमिनीन की राह छोड़ दे तो वो जिस तरफ चलेंगे हम उसे उस तरफ चलाएंगे, ले जाके जहन्नम में डाल दें। मोमिनीन से मुराद वहां सहाबा है। अच्छा हाँ, नबी की राह और सहाबा की राह। हमारा मन तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा मनहज वही है। असला आपका मनहज कुछ भी नहीं है, आप मतलब सफर का चला रहे हैं। मैं तमीमदारी को हुक्म दिया लोगों को 11 रकात कयाम रमजान पढ़ाए, इस पर तो हमारे भी दलील है शेख, हम भी तो रिवायतें देते हैं आपको। इसे एक बात बताएं, ये 20 रकात हजरत उमर ने शुरू कराए थे? हाँ हजरत उमर ने कहा था सुबह दिन काफ से करने के लिए। अच्छा माशाल्लाह, ये शिया वाली बात तो आपने बोल दी है, शिया भी तो यही बोलता है। क्या बोलता है शिया? बोलता है कि तरावी अलग नमाज है, तहज्जुद अलग है, हजरत उमर की बिदत है, हजरत उमर ने शुरू कराए। तुमने तो वही बात बोल दी, अगर तुम्हारी बिदत ही है, तुमने तो बोली दी ना अभी। जब नबी ने बिदत पढ़ी है तो हजरत उमर शुरू कैसे करा सकते? हजरत उमर क्या किए थे मालूम है? हजरत उमर इतना किए थे कि एक ही मस्जिद में बहुत सारे लोग अलग अलग जमात बना के पढ़ते थे अलग अलग वक्त में। कोई अभी आया ऐसा बात, कोई थोड़ी देर बाद आया, कोई उधर आया, एक जमात उधर एक इधर। अभी इतनी सारी जमातें बनी एक मस्जिद में, इख्तिलाफ होगा। हजरत उमर बहुत जहीन थे, बहुत बड़े फकीह थे, जानते थे कि फितना पैदा होगा अगर मैंने इनको एक जगह जमा नहीं। सब हजरत उमर ने इतना किया कि उनको एक जगह जमा कर दिया एक इमाम के पीछे, इतना किया बस। तो आपने वो रिवायत तो पढ़ी होगी शेख, जितना अल्लाह के रसूल कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुल्फाए राशिदीन। हाँ तो खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत नहीं है तो हम का मना कर रहे, हमने क्या मना किया कि मत करो ऐसा बात करा भी? आप तो कहते हैं बिदत के बिदत है, 20 रकात बिदत बोले भाई, जबरदस्ती बोले क्यों? कहते नहीं है 20 रकात सुन्नत है ही नहीं। तो आदमी 20 रकात को सुन्नत रसूल बोलेगा तब बिदत होगी वो। अल्लाह के रसूल ने 20 रकात नहीं पढ़ाई? अरे भाई पढ़ाई होती तो सबसे पहले हम नहीं पढ़ते। तो आप तो पढ़ते नहीं, आप तो 8 पढ़ते। अरे हम तो 8 से ज्यादा भी पढ़ते हैं भाई, आखिरी अशरे में तो हम 12 रकात पढ़ते हैं। आप? हाँ अच्छा जी, सहाबा इकराम आखिरी अशरे में 4 रकात पढ़ा लिया करते थे ना। अच्छा सहाबा इकराम क्या करते थे, 20 दिन 8 रकात पढ़ते थे, और जब आखिरी अशरा आता तो अल्लाह के नबी इबादत में कमर कस लिया करते थे तो और इबादत में इजाफा होता था, तो वो क्या करते थे 12 रकात कर लिया करते। तो इसी से तो दलील लेके लोगों ने 16 किए, 20 किए, 24 किए, 28। दोस्त आपकी और मेरी बात जो अटकती है ना, आपकी और जो मेरी बात आकर अटकती है वो असमा और रिजाल पर अटकती है। उसमें क्यों अटकी भाई? वजह क्या है मैं बता देता हूँ। हाँ क्योंकि आप जो मुझसे मांग रहे 20 रकात तरावी पर दलाई मांग रहे, यही बात है ना? नहीं बात यहाँ नहीं अटक रही, बात अटक रही है असल में कि एक आदमी कह रहा है मुहद्दिसीन के मनहज पे चलो और आप अपने उलमा का मनहज
वो पता नहीं मौलाना गुम्मन किसका पेश कर दो, मौलाना ताहिर गयावी का जिसको खुद अरबी नहीं आती थी, उसको उठा के मोहती सिंह के मैनेज को पेश करते हो। मोहती मौलाना मौलाना ताहिर गयावी पर भी नहीं आती, नहीं बहुत दूर के दिया उन्होंने। तरावी में सबसे ज्यादा गुमराह लोगों को जो किया है वो ताहिर गयावी ने तो किया है। ये सब आप ताहिर गयावी की तो बात कर रहे हो, आप एक मिनट नहीं दिख पाएंगे सख्त क्या है उसके तो बाद। मैं ताहिर गयावी को फोन किया था, दूसरे के हाथ में फोन दे के भाग गया था। फोनों पर बात होती है क्या, यही वक्त हो गया जो आप जो आप मेरे से कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, यही बात है। फोन तो वो उलमा वो बेहतर जानते हैं, उलमा से बात करते हैं, क्योंकि इमाम शाफी खुद कहते हैं अगर मैं किसी जाहिल से मुनाज़रा करूंगा तो जाहिल सी बात है मैं हार जाऊंगा। तो भाई अहले हदीस जाहिल नहीं हो, उलमा इंसानों से जाहिल से बात नहीं करते। तुम नहीं जानते उलमा का मुकाबला जो होता है वो आलिम ही से होता है, जाहिल का थोड़ा ही होता है। सुनो, तुम्हारे आलिम भी मुकल्लिद होते हैं और उलमा और मुकल्लिद इजमा ही जाहिल होता है, तो हम जाहिल से बात नहीं कर सकते ना। हम तो अहले हदीस इल्म वाले, कुरान हदीस वाले, कुरान हदीस इल्म। फिर क्यों फोन मिलाया भाई, हाँ मौलाना ताहिर गयावी से क्यों फोन मिलाया जब वो जाहिल है? तो भाई तुम्हारे घमंड दूर करने अपनी बात छोड़ जाते हैं, आप जैसे लोगों का घमंड दूर करने के लिए कि इनको कुछ इल्म नहीं होता। मैंने तो मौलाना गुम्मन को भी फोन लगाया हूँ, दो मिनट में भाग गया, कुरान से उसको शिया साबित किया था। फसल लिली रब्बी का वनहर, कुरान की सबसे छोटी सूरत, सबसे छोटी सूरत की सबसे छोटी आयत की तस्वीर पूछा था, ये तस्वीर में तुम शिया साबित हो जाते। वो बताए क्यों नहीं बात करते आपसे, ये सब बहाने हैं। आपसे बात कर रहा हूँ ना, समझ लो आपके आलिम से कर रहा हूँ, क्योंकि उसी का रट्टा बात कर रहे हो, मेरे आलिम से कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, मेरे आलिम से कर रहे हो। हाँ, ये सब उसी का रट्टा है, आपकी धुलाई नहीं उनकी धुलाई हो रही है। आप कितने बड़े झूठे हो भाई, क्योंकि ये मैंने कहा किसने नहीं तो मेरे आलिमों से बात करी कहाँ से आपने, किसकी मेरे आलिमों से आपने बात कहाँ करी? आपने जो सीखे हो आपके आलिम से सीखे हो ना, जो आलिम ने सीखा है वो पूरा है, मतलब आपके आलिम का रद हो रहा है, आपको तो कुछ आता नहीं। जो जब मुझे कुछ नहीं आता तो आप मुझसे बात क्यों करते हैं भाई? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए जिसको कुछ नहीं आता उससे बात नहीं करते, आप क्या फलसफे बनाते हो? आप गलतफहमी दूर करेंगे मेरी, आप गलतफहमी दूर करेंगे मेरी। जी बिल्कुल, इस्लाह करना तो एक मुसलमान का काम ही है। आज तक आप अपनी इस्लाह नहीं कर पाए। अरे भाई आपको अकीदे पे इतनी प्यारी बात बताया कि मुशरिक ने मक्का वाले आपके किरदार है, आपको कलमा नहीं आता, आपको तौहीद नहीं मालूम। शेख आपके कहने से नहीं होता सब कुछ, ठीक है? तो किसके आप तो आए दिन छोटी सी एक बात बताएं, छोटी सी एक बात, वो गुस्ताख रसूल नबी के ताल्लुक से कहता है कि नबी नमाज़ आपके कहने से कुछ नहीं होता। मेरी बात ने क्या लिखा, नहीं अमीन उकाड़ी गुस्ताख रसूल ने के अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे और सामने गधिया खेल रही थी और उसकी शर्मगाह पर आपकी नजर पड़ी, नाऊज़ बिल्ला। अमीन उकाड़वी ने, हाँ अमीन उकाड़वी कज़्ज़ाब ने नबी के ताल्लुक से बात लिखा। जो अहले हदीस थे कभी कौन काय के अहले हदीस, ये सब शिया राजी होते हैं, घुसते हैं जमात में जैसे अब्दुल अपनी सबक होगा। जब उन्होंने अहले हदीस मनज छोड़ा, ये नहीं पता आपको क्यों छोड़ा? अहले हदीस मनज कुछ छोड़ता ही नहीं है, ये तो सबा की नस्ल होती है, जिनके दिलों में ईमान नहीं होता उनकी मिसाल कुरान में अल्लाह ताला ने दी है ना, कि ये ऐसे आदत करते हैं जैसे के किनारे होते हैं। भाईजान मेरे प्यारे भाईजान, सुना रहा हूँ मैं कुरान, क्या पता अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों मेरे भाईजान मेरी बात सुनिए, आप जो मर्जी कह लें, आपके कहने से कुछ नहीं होता, हमारे अखलाक तो अल्लाह के रसूल वाले होंगे इंशा। आप जो आपके पास उलमा को गाली देने और आपका काम ही उलमा को गाली देना, जब आपने सबको अपनी फहरिस्त से निकाल दिया कि सब बातें हम अक्सर हैं, यही कहते हैं ना आप तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करने में मैं जरा भी वो नहीं करता हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ। आपको जितने धोखे मोबाइल पे सिखाया ना हजरत आयशा की हदीस पर, ये किसने सिखाया? ताहिर गयावी ने सिखाया। मैं तो ताहिर गयावी के बयान ज्यादा सुने ही नहीं है शेख, आपने भी सुने, किताबों के जरिए उलमा के जरिए पहुंची है ना, मैंने नहीं पढ़ी हूँ किताबें। हाँ ये सब वही बातें हैं, तो वो आप किताब से चलो ठीक है, अब दो बातें सुन लो मेरी बात। जब आपका दावा है कि अहले हदीस पर हैं सारे जाहिल हैं जहन्नम में जाएंगे, ये कहते हैं ना आप? नहीं नहीं हम नहीं कहते हैं, नहीं कहते, कहते हैं हक जमात अहले हदीस है। हाँ हक जमात अहले हदीस है, बाकी जहन्नम में जाएंगे तो हदीस ही कहती है। ठीक है जो भी आप कह लें, मैं आपकी मानते बहत्तर कौन है दुनिया के अंदर, इस बात बहत्तर जहन्नम में जाएंगे आप नहीं मानते? तो बहत्तर में हो सकता है आप भी हो, बारह पहले बहत्तर जहन्नम में जाएंगे कि नहीं?
तो बात तो जनरल में जाएंगे, उससे इनकार हम भी नहीं करते। उस बात आप में आप हो, अब ये फतवा आपके लौट आया तो 73 हम भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते नहीं ना, तो आप भी 72 हो सकते हैं। मैं तो हो सकते हुए बात कर रहा हूँ, आप भी हो सकते हैं 72 में से ना। तो दिख गया ना, आपने ना कुरान माना, ना हदीस माना, ना मनहज सहाबा, ना मुहद्दिसीन का मनहज माना, कैसे हो सकता। हमने हमने अभी इसकी बहस पे तो सब पता चल गया। आप तो साफ जाहिर है, आप खुद कहते हैं 5 नमाजें पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो, ऐसे ऐसे नमाजें पढ़ते हो, नमाजें सिखाई किसने? नबी करीम साहब ने कैसे कह दिया, इनकार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने बताया है। तो हम पढ़ते तो हैं ऐसे ही, कहाँ पढ़ते हो यार, आपका तरीका तो इमाम अबू हनीफा वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कहाँ है। आप तो अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ते जो नबी को पसंद था, हर नमाज लेट पढ़ते हो, और जो नमाज अल्लाह के नबी को लेट पसंद थी ईशा की, उसे 1 घंटा पहले पढ़ लेते हो, पूरा तो सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल 2 फर्ज नहीं पढ़ा करते थे फजर में? हाँ, तो हम 2 फर्ज ही तो पढ़ते हैं। हाँ, तो अल्लाह के रसूल 2 फर्ज अंधेरे में पढ़ा करते थे, आप तो पूरा साल उजाले में पढ़ते हो और रमजान में आके एलईडी बन जाते हो, ये क्या 4 फर्ज घोर के पढ़ा करते थे? नहीं, ये क्या ढोंगे, रमजानों में आके आप अंधेरे में फजर पढ़ते हो, जैसी चांद दिखता है ईद का आप उसको उजाले में पढ़ते हो, क्योंकि दोनों रिवायतें मिलती है ना शेख? नहीं, दोनों नहीं मिलती। ये अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल रोशन करके पढ़ा करते थे। अच्छा, रमजान में पढ़ते थे जी? ऐसे है कि रमजान में पहले पढ़ते थे और रमजान के बाद वैसे पढ़ते थे। वो अंधेरे वाली रिवायत भी है, हमने तो नहीं छोड़ा उस रिवायत रमजान बता। हमने आपके अंधेरे में नमाज पढ़ने को कभी गलत करार दिया है? नहीं तो दे ही नहीं सकते ना, अहले हदीस का मनहज तो अकीदा कुरान हदीस वाला, उसको दे ही नहीं सकते गलत, उसको गलत करोगे आप खुद गलत हो जाओगे। तो शेख रिवायत हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने रात में भी पढ़ी है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते रोशन करके भी पढ़ी है, तो हम तो दोनों हदीसों पर अमल करते हैं ना शेख, आपने एक हदीस को छोड़ दिया रोशन वाली। अल्लाह के नबी ने जो चीज फरमाई है अब्दुल्ला, क्या मेरी बात का जब मेरी बात चलती है, क्योंकि मैं करता हूँ अखलाक के दायरे में, कौन सा है अल्लाह के नबी ने? मैं तो नहीं निकलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बात आप सुनते नहीं। मैं सुन ली आपकी बात, जब मैं कोई बात करता हूँ मैं अखलाक के दायरे में, आप मेरी बात को काट देते हैं। हाँ, तो आप गलत बात करो तो काटूंगा ही ना, मतलब मैं कौन सी गलत बात करूँ, मैं अल्लाह के रसूल की हदीस बता रहा हूँ, हदीस से काट रहा हूँ कि जब अब्दुल्ला ने मसूद ने पूछा कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना जी, अल्लाह के नबी अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे, वही तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल रोशन करके पढ़ा कर, तो वो हमेशा का अमल है कभी का? हदीस तो है ना भाई साहब, तो अभी तो आप मुझे इतनी देर आप मुझे इतनी देर से सिखाई चले जा रहे हैं, आज कोई रखा जब आप मुझे इतनी देर से सिखा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, हदीस है, हदीस है, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, तो आप इसमें सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपको नहीं पता अभी अल्लाह के रसूल पे सवाल उठाने पर आप मुझसे इल्जाम लगा रहे थे, आप क्यों सवाल उठा रहे? नाम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक क्या फरमाते हैं पता है? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक वही जलालुद्दीन कासमी की सनद में आते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो बहुत बड़े इमाम है, वो क्या फरमाते हैं कि हदीस लेने से पहले ये देखो कि किससे ले रहे हो, हदीस लेने से पहले सनद देखो, सनद दुरुस्त ना हो तो धोखा ना खाओ। तो इन दोनों उसूल में आप फंस गए, क्योंकि आपको अहले हदीस हो ही नहीं, आपसे हदीस लेना मतलब अपने पैर को कुल्हाड़ी मारना है, अपना सर फोड़ना है। मैं अहले हदीस नहीं हूँ ना, उलमा तो हूँ, आपसे तो हदीस ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद हदीस समझती, तो मैं अपनी हदीस थोड़ा ही बता रहा हूँ शेर। अरे तो आपसे लेना ही नहीं चाहिए ना, आप अपनी बता भी नहीं सकते, आप लोगों को। इमाम बुखारी ने हदीस लाई है बुखारी ने कि अल्लाह के नबी अंधेरे में नमाज पढ़ते थे, सहाबा अंधेरे में पढ़ते थे, हमसे हदीस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये मौजूद बिल्कुल बता रहा हूँ। तो फिर आप बात करने का मकसद क्या है? मैं आपसे हदीस थोड़ी ले रहा हूँ, आपकी इसलाह कर रहा हूँ, आपको दीन बता रहा हूँ। इसलाह करेंगे फिर मेरे एतराज के जवाब कौन देगा? तो देते रहो ना एतराज के जवाब, मैंने तो ये एतराज किए ही नहीं, अब करने शुरू करता हूँ बार बार। आपने एतराज के जवाब आपके हैं, आपके एतराज के पूरे जवाब दिए आपने। अभी तो बात चल रही थी, एतराज तो समझ, चलो मैं एतराज कर ठीक करूँ। हाँ बोलो ना। हाँ, जो मेरे एतराज आते हैं भाई वो ये हैं कि रमजान के अंदर आप कहते हैं अल्लाह के रसूल से 8 रकात तरावी साबित है, ठीक है, सुन्नत है,
हम और नहीं कह कुरान हदीस से आप दिखा ये नबी साहबा आइमा मुहदीसीन का मनज है। क्या क्या मनज है? के तरावी 8 रकात अल्लाह के नबी से साबित है हनफी ओके बड़े बड़े उलमाओं ने, 1 दर्जन उलमाओं ने कहा। कितने दर्जन? 1 दर्जन। 1 दर्जन 50-60 दर्जन उलमा तो अब भी कहते हैं 20 का सुन्नत है, फिर क्यों नहीं मानते? तो सुन्नत कोई नहीं बोलता है, मुस्तहब बोलता है। आप सुन्नत लग घुसा देते तो आप मेरे एतराजात मेरे एतराजात सुन लें। आज के बाद जितनी रकात का जिक्र आया है वो सब काय में आता है मुस्तहब में। आपका एक उसूल है जो आप कहना चाहते हैं कि मेरी बात जबरदस्ती मान लो। अब्दुल हई हनफी लखनवी क्या बोलते हैं? लागत तरीका पता है क्या होता है शेख? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अब्दुल है एमसी। मैं बता देता हूँ इस लागत तरीका। वो आप हम तबली की जमात से सीख ले माशाल्लाह, आप नहीं सिखा पाएंगे, मेरे से सीख। अरे अखलाक नहीं होते भाई आपके पास या चोर है क्या करे? अखलाक आप लोगों के पास होते नहीं है, नाटक होता है अखलाक का। मैंने कहा इसला भी नहीं करते आप लोग, गुमराह सुन लें ना, मेरे से सुन लें। अगर आप उसको गलत करार दे दें तो मैं मान लूं, ठीक है? मैं जो बात बताने जा रहा हूं इसको सुन लें, अगर आप ये कहेंगे ना ये गलत है तो मैं इसको मान लूंगा, ठीक है? अब बता दूं? हाँ बोलो ना। बात का तरीका, किसी की इस्लाह का तरीका ये होता है कि मेरे बड़े भाई ये चीज सुन्नत है और कितनी सुन्नत है और ऐसे अल्लाह के रसूल से साबित है, अगर आप इसको तस्लीम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपकी मर्जी। ये होता है इस्लाह का तरीका। अभी तक तो आपने मुझसे बातें नहीं की, अब तो बहस करे चले जा रहे हैं फलाना ढिमका ये, जिस चीज का मुझे नहीं उसके आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? आपका इस्लाह का तरीका ये होता है जाकिर भाई आप कितने रकातें पढ़ते हैं, कितनी सुन्नत है? मैंने कहा जी हम 20 पढ़ते हैं और 20 सुन्नत है। आपने कहा 20 सुन्नत नहीं है, 8 सुन्नत है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, चाहे आप माने ना माने तब तो आपकी बात अच्छी लगती है। अब ये बात मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाँ बोलते रहिए। मैंने बोल दिया, मैं ये बात जो कह रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाँ तो मैंने भी वही तरीका अपनाया था, लेकिन आपने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ जो मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ ये सही है या गलत है? आपने क्या की थी बीच में मुनाज़ाना गुफ्तगू करने की कोशिश? मेरे जो मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने अभी इस्लाही तरीका बताया है वो आप ही नहीं चलने दूंगा, एक नहीं चलने दूंगा। जी जी मत चलने दीजिए। अच्छा ये देखिए आप अधिकारी क्या कह रहे हैं? मुल्ला अली कारी को छोड़िए, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उल्मा को लेते हो ना, मैं चलने नहीं दूंगा आपकी बात। मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। मुल्ला अली कारी कह रहे हैं कि आप कलम पर यही बातें होती हैं और उन बातों से कोई फायदा नहीं होता। मुल्ला अली कारी कह रहे हैं कि आप कलम से मुल्ला अली कारी को छोड़िए, मुल्ला अली कारी को छोड़िए। करते थे सहाबा को 8 रकात वित्र पढ़ाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही सनद से साबित है। ये कौन कह रहे हैं? हनफी अलीम मुल्ला अली कारी तो रफ दैन को भी मंसूख करार देते हैं शेख, उनकी बात छोड़िए। तो आप मानते हो कि रफ दैन मंसूख नहीं है? वो मंसूख करार देते हैं। तो आप कहते हैं रफ दैन मंसूख है, तो भी मंसूख है कि नहीं है जी? आप मानते हो कि नहीं? मुल्ला अली कारी ये कहते हैं रफ दैन मंसूख है और हम भी मानते हैं मंसूख है। आप मानते हो? हम भी मानते हैं मंसूख है। ये भी मान लो क्या? ये भी मान लो मुल्ला अली कारी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी से सही सनद के साथ जो साबित है कि सहाबा को 8 पढ़ाते थे, 8 रकात वितर तरावी पढ़ाते थे। हाँ तो आप क्यों नहीं मानने रफ दैन मंसूख है? आप मानना जरा। अरे भाई आपके आलिम की दलील आपको देंगे ना, हमारे लिए थोड़ी इज्जत है वो। तो आपसे किसी ने कहा हमारे आलिम की दलील हमें दो? अरे आपका उसूल, आपको उसूल भी नहीं मालूम कि अल्लाह हमारे उसूल हमें पता है, हमारे उसूल हमें पता है और हमारे उलमा ने हमको क्या कहा है ये भी पता है। मैं आपसे पूछने की जरूरत थोड़ी ना है, जब हमें पूछना होगा अपने उलमा के पास जाएंगे कि आपसे पूछेंगे। आप कह रहे हो मुल्ला अली कारी की बात मान लो, मैं मुल्ला अली कारी की बात से इनकार नहीं करता, पर जो मुल्ला अली कारी का आप हवाला मुझे दे रहे हैं उनकी बात भी तो आप मान लो ना फिर। जो दावा जब आपके लिए हुज्जत नहीं तो उनकी बात पेश क्यों कर रहे हैं? मेरे बात आपके आलिम की होगी तो देंगे ना, मेरे आलिम की बात होगी तो आप क्यों देंगे? अरे हम नहीं देंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? नऊज़ुबिल्लाह कुरान का इनकार करोगे?
है नबी बुरहान अकुम के लाओ तुम्हारी किताबें और बताओ उसमें तुमने कहा लिखा है ये उनकी किताब से दलील नबी की सुन्नत है। हम तो अल्लाह का शुक्र है कुरान से ही दलील देते हैं और हदीस से ही दलील देते हैं, यही हमारी किताब है। तुम्हारे कुछ आते नहीं तुम हुज्जत ही बन गए हो शायद, तुम तो जिन छोड़ दिया किसी ने जिन छोड़ते थे ऐसे बात करता मैं आपसे, आपने मेरे इस बात का जवाब नहीं दिया, आपने उस बात को काट दिया और यही प्यारे नजीम भाई ये बेहतरीन जगह में प्यारे भाई जान ये मेरे प्यारे नजीम भाई अखलाक नहीं ये नाटक है मेरे प्यारे नजीम भाई ये आपके अखलाक नहीं ये नाटक है मेरे प्यारे नजीम भाई यही आप उम्मत को धोखा दे आदमी उसूल से बात करे उसूल से बात नहीं करे तो काय के अखलाक बहुत बड़ा ढोंगी है वो। कुरान कह रहा है कि मद्दे मुकाबिल आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया इस्लाही बात का जो मैंने तरीका बताया था ये सही था या गलत था। आपने जो तरीका बताया वो हमारा तरीका है आपका तरीका नहीं आपका गलत तरीका है। चलो आप अपना मानिए सही है या गलत है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि उसूलों वाली बात वो सही है जब वो आपका तरीका है वो सही है या गलत है। मुल्ला अली कारी ने सही कहा है कि नहीं कि मुल्ला अली कारी की बात नहीं चल रही, आप मेरी बात को हाँ में ना में जवाब क्यों नहीं दे रहे, मेरी बात क्यों रहे, यही यही बात सुना सुना के उम्मत को धोखा देते हैं, मेरी बात चलने क्यों नहीं दे रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि मुल्ला अली कारी ने जो बात कही है सही है, वो इस्लाही तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका आपका है तो आप हाँ क्यों नहीं करते। हाँ तो है ना हमारा आपका है तो आपने वो तरीका अपनाया क्यों नहीं, डेढ़ घंटे आपने उसको क्रॉस किए डेढ़ घंटे से आप मैंने अली कारी की बात बताया आपने उसको क्रॉस कर दिया। मुल्ला अली कारी की बात नहीं चल रही वो इस्लाही तरीका जो आपका जो आप कह रहे हो अखलाक के साथ कि आपका आलिम कहता है कि बात सनद आठ साबित है आपने उसको मेरे आलिम की बात छोड़िए शेख मेरे प्यारे भाईजान उस अखलाक से आपने मुझे दावत क्यों नहीं दी मुझे बताइए। मुल्ला अली कारी ने बात गलत बोले उस अखलाक से आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, मैंने उसी अखलाक से बात की और आपने आप अपनी बात रख के फोन काट देते आपने नहीं, 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 आप तो हमारे साथ नहीं चलेंगे कि फोन काट देना चाहिए आपसे सीखने की जरूरत नहीं है तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब आप हमसे सीखना नहीं चाहते आप अपना प्रकाश सही सनद से साबित है सहाबा को पढ़ा अल्लाह के नबी ने आप कुछ बोलने आ गए गलत आप ही बोलते रहेंगे मैं कुछ बोलूं आगे बोले मुल्ला अली कारी ने सही बोला है गलत मैंने मुल्ला अली कारी की इबारत ही नहीं पढ़ी तो मैं कैसे कह दूं तो वो कैसे पढ़ी जो पढ़ी है वो बता रहा हूँ जो पढ़ी है वो बता रहा हूँ आप उसको सुन नहीं रहे आप तो वो बता रहे हैं जो मैंने पढ़ी है। अच्छा आप ये बताएं लाग नहीं अच्छा आप ये बताएं मुल्ला अली कारी की जो मैं ये कह रहा हूँ रफे बेन मंसूक है ये इबारत आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। नहीं वो गलत है उनका मतलब अरे ये अब ये गलत कैसे हो गया जब मुल्ला अली कारी सच्चे हैं तो इनकी ये बात क्यों नहीं मानते को उनकी वो कोई मासूम वो नबी तो है नहीं कि उनकी हर बात सच्ची हो तो वो झूठे थे दलील से जो बात आएगी वो सच्ची है वो झूठे थे क्या और वो हो सकता है उनको जो गलत तहकीक तो गलत तहकीक तो ये भी तो हो सकती है आठ रखा पड़ेगा ना भाई है हम तो साबित करना पड़ेगा ना गलत हो हम तो दलील दे रहे ना बहुत दिन से तो आप ही तो कह रहे हैं वो गलत थे गलती कर सकते तो इसमें भी तो गलती कर सकते बताओ ना मैं तो गलती साबित है रफुल दैन में किसमें रफुल दैन में तो साबित है उसका तो कोई मसला ही नहीं है। असल बात पता है क्या है शेख इसमें तुम साबित करोगे गलती आपको जो मतलब की बात मिलेगी ना वो आप किसी ढंगी से भी ले लेंगे मतलब नहीं ये मेरी बात सुनो मेरी बात आके एक दर्जन उलमा ने तुम्हारे कहा है कि अल्लाह के नबी से आतकात पढ़ना सुन्नत है एक दर्जन उलमा ने तो मुल्ला अली साहब ने कहा है दूसरा आप कह रहे हैं अनवर शाह कश्मीरी ने कहा क्या अनवर शाह के नबी सल्लम की तरावी आठ रकात थी अनवर शाह कश्मीरी सच्चे हैं क्या ये भी झूठ है आपका मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अरे भाई सही बात तो शैतान भी बोले और उसकी ताई हो जाए तो लेना चाहिए सही बुखारी की रिवायत ये हुई बात ये हुई ना बात असल में आप मानते ही शैतान की तो करें भी क्या नहीं भाई ये उसूल वाली बात है देखो मुसलमान शैतान बढ़ के पना मांगते हैं शेख जिसका कोई उसूल नहीं वो मुसलमान ही नहीं। अब मानते मुसलमान उलमा इकराम से जो तहकीक करके बोल रहे हैं कि सुन्नत जो है आठ रकात है और तुम बिना तहकीक वाले बोल दे रहे हो कि नहीं है तो झूठा तुम उलमा का क्या करोगे जो 20 रकात सुन्नत कहते हैं सुन्नत नहीं मुस्तहब कहा है ना फिर अजीब बात समझने का शऊर नहीं है सुन्नत और मुस्तहब का झगड़ा है सुन्नत आठ रकात है उसके बाद कोई कितनी भी पढ़े आप ये कह रहा हूँ जिन उलमा ने 20 रकात सुन्नत कहा है उन उलमा का क्या करें कौन से उलमा ने कहा
हमारे लिए उलमा कौन है, किस रकात नबी की सुन्नत है, कौन से उलमा ने कहा बताओ, उलमा कौन होते हैं बताओ ना, मैं दलील तो झूठ बोले थे, ये अखलाक है आपके, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बना रहे हो आप अखलाक का, झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके उलमा ने कहा है कि नबी की सुन्नत है बीस रकात, मौलाना कहा है कि नबी की सुन्नत आठ है और आठ के बाद बारह सोलह ये बीस ये मुस्तहब है, आपके उलमा से देखा, तो मैं बता रहा हूँ ना उलमा का नाम सुनते तो हूँ नहीं, बोलो मौलाना इलियास गुम्बन, अरे गुम्बन मौलाना इसको तो सुन तो सही, आप सुनते तो हो नहीं, सुनते तो हो नहीं, मैं तो पहले ही बोला था ना तुम तैयारी गया, जब मैं नाम बता रहा हूँ, जब मैं नाम बता रहा हूँ, जब सुनते क्यों नहीं, पहले मैं नाम बता दूँ उसके बाद इश्काल कर लेना, नहीं मालूम असल में मुतकद्दमीन जब कोई बात कह देना तो मुताखिरीन की बात नहीं ली जाती, इतने बड़े बिल्ला तो, या तो आप मुझसे यूँ नहीं कहते किस उलमा ने कहा, जब उलमा का मैं नाम बता रहा हूँ तो पहले आप मेरे से उलमा के नाम सुन लें, उसके बाद अतराज करते चले जाए, करते चले जाए, मैं रोकूंगा नहीं, मुहद्दिसीन के उसूल सीख ले कि जब किसी मसले में मुतकद्दमीन फैसला कर दे तो मुताखरीन का रद्द काम नहीं आता, शेख मैं बता देता हूँ नाम, तुम मुताखरीन नाम बता देता हूँ, मैं नाम बता देता हूँ, नाम सुन ले मेरे से, नहीं चलिए मैं समझ गया आपकी बात, इंशाल्लाह कल बात करते हैं, काफी रात हो गई है शेख, अब बात मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अभी मैं मेरी तहज्जुद का टाइम है, आप टाइम खराब करेंगे, नहीं हाँ तीन बजे सहरी होती है और तहज्जुद की नमाज होती है मेरी, अभी आपसे तो बड़ा मजा आता है, बड़े अच्छे अखलाक से बात करते हैं ना, लोगों की बहुत इसलाह होगी शेख, आप तहज्जुद पढ़ेंगे अब, हाँ तहज्जुद पढ़ूंगा ना मैं भी, तरावी तहज्जुद होगा पढ़ूंगा, तरावी नहीं पढ़ी आपने जमात से, नहीं मैं आधी रात नहीं पढ़ता हूँ, हजरत उमर की सुन्नत, तो जमात से क्यों छोड़ देते हैं, मैं घर में जमात कर लेता हूँ ना, तो मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते, अरे साहबा भी घर में जमात कराया करते थे ना, तो फिर मस्जिद में क्यों कराते हैं, वो तो अव्वल वक्त है ना, अफजल नहीं है ये, अफजल वक्त है यार भाई, तो जब अव्वल वक्त आपके पास होता था आप क्यों नहीं पढ़ते, अव्वल वक्त ज्यादा इबादत क्या करते थे रमजानों में, तो मैं कर रहा हूँ ना अफजल इबादत कर रहा हूँ ना, अव्वल वक्त में क्यों नहीं करते, नहीं कर रहा ना मैं अफजल में कर रहा हूँ ना, तो आपके जो साथी करते हैं वो अफजल नहीं करते, नहीं वो अफजल नहीं, अफजल वक्त नहीं है वो, कौन बोल अफजल इबादत नहीं करते, आपका इशाबाद वाला अफजल वक्त नहीं, हजरत उमर ने खुद बोले हजरत उमर ने कहा वो वक्त जिसमें तुम सो जाते हो उससे बेहतर है जिसमें तुम नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद हाँ, इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ तहज्जुद हमारा वो अफजल अमल नहीं है, अफजल अमल आधी रात वाला है, हाँ तो आधी रात को तो तहज्जुद होती है, ईशा के बाद तरावी होती है, आधी तहज्जुद ही की अल्लाह के नबी ने आधी रात को पढ़ाए थे तरावी, अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते, आप क्यों ईशा के बाद बोल रहे हैं, तरावी आधी रात में नहीं होती तहज्जुद होती है, तहज्जुद तरावी साबित हुई तो कुछ भी सवाल करो, मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप क्यों पढ़ लेते हैं ईशा में, तहज्जुद में पढ़ा करें ना, मैं कितने जमात करके, तुम्हारा कोई दीन और धर्म है नहीं, कुछ भी बोलना धर्म है तुम्हारे, आप चाहे जो मर्जी कहना, जो मर्जी कहना, आप तो कहते ही आए हैं, आपने उम्मत में तफरका फैला रखा है, इसके अलावा तो आपके पास नहीं, रात में तरावी होती कि नहीं, आधी रात को, आधी रात को तरावी किसने पढ़ाई है, होती कि नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ किसने पढ़ाई है, नहीं नहीं पूछ रहा, होती कि नहीं, किसने पढ़ाई, मुझे गाय को पूछ रहा हूँ, हमने तो नहीं पढ़ी भाई शेख, हम तो जमात से मस्जिद में पढ़ते हैं, नबी ने आधी रात में पढ़ाई थी, तो शेख यही बात तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब नबी ने पढ़ाई है आपने सबको बातिल करार दिया, आपने आपको हक करार दिया, हक पर क्यों नहीं रहते, आज आपकी तरावी होती है ना, तुम्हारे तो मजा भी बातिल हो गया ना, ताजी तरावी आपने हमें हक पे छोड़ रखा है, आप तो हमेशा कहते हैं हम बातिल है, जब हम बातिल हैं तो हमको तो बातिल ही हो ना, हमको पहले रहना यार शेख, ईशा के बाद क्यों पढ़ते हो, रात में पढ़ा करो, उसकी भी इजाजत है, पढ़ सकते हैं, आप तो अपनी मर्जी से घुमाए चले जाए, भाई कुर्बानी तीन दिन है, चार दिन कुर्बानी है, पहले दिन अफजल है, दूसरे दिन गैर अफजल है, अब आदमी की मर्जी अफजल करे गैर अफजल करे, उसमें आप उज्जत तीसरे दिन चौथे दिन कुर्बानी करता आप उससे आगे झगड़ा करोगे, जब अल्लाह के रसूल ने रात को पढ़िए तो आप रात को क्यों नहीं पढ़ते मस्जिद में, पढ़ ही रहो ना भाई, आप पढ़ रहे ना और तो नहीं पढ़ते, नहीं और भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार, ईशा में सब पढ़ते हैं, ईशा में चाहिए जिसको आसानी है, जो उसको काम धंधे वाले हैं, जो ईशा में रात में नहीं उठ सकते उनको प्रॉब्लम है, वो जल्दी पढ़ लें, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, इसमें गले जाए को पढ़ लो, तुम गले पढ़ने की आदत है क्या, तुम्हारा मतलब गले पढ़ हुआ है हमारा मतलब गले पढ़ने का नहीं, हमारा मतलब है, तो तुम गले पड़ जाओ, तो एक आदमी तीसरे दिन कुर्बानी करोगे तो उसके गले पड़ जाओगे, अरे अफजल तो पहले दिन था, तो कायफा भी कर रहे क्या, नहीं हमारे यहाँ तीन दिन होती है, तो अफजल गैर अफजल का फर्क है कि नहीं,
हम तो तीसरे तीन दिन दिन वाले करते को, हैं, अपने तीसरे टाइम दिन निकला वाले है। को, तीसरे दिन वाले को गलत बोलते हो क्या? हमसे आप क्यों बात करते हैं, हमें तो आपने बादल करार दे रखा है ना, हमारे मामाल को क्यों छेड़ते हैं? तो इसलाह कर देना तुम्हारी, अपनी तो करने से बातिल की तो इसलाह की जाती है, अल्लाह के नबी किन को से बता, बातिल को समझा देते ना, तो अल्लाह के रसूल का समझाने का बातिल को तरीका। समझाना ना कितना अच्छा तरीका है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और देखो मुनाजाना गुफ्तगू भी हो जा रही, मुनाजरा वस्तु जो मुनाजरा कहते हैं, फिर मुनाजाना गुफ्तगू तो है ये, ये मुनाजरा उम्मत ने अगर आपको भरा था, शेख ना सुधर जाए मान उम्मत ने जाए, आपको भरा था सब पानी हो शेख चुका। सुधर जाए मान जाए, हाँ मान जाए भाई, अभी भी वक्त है, तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी सुधर क्यों ना नाउजुबिल्ला नबी के काम अमल पर एतराज किए हो, इनकार किए हो, कुरान हदीस को नहीं माने हो, झांसे दिए हो, धोखे दिए हो, बहुत सारे काम किए हो। चलिए अस्सलाम जा, वालेकुम आपने कह दिया हो गया। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।